आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोर्स के अकॉर्डिंग एरर कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो एरर जनरेशन होता है वो किन किन सोर्सेस से होता है, और उसी सोर्स की वजह से हम लोग एरर को अलग अलग टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। साथ ही साथ ये समझेंगे कि आखिर उस एरर को दूर कैसे किया जाएगा। मान लिया जाए हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मेजरमेंट में आखिर गड़बड़ी हो रही है, तो गड़बड़ी आखिर कहाँ से हो रही है और इसको कैसे दूर किया जाएगा, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि आखिर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, आप देखते हैं कि जैसे मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्ट करता है और हमको रीडिंग बताता है, तो आखिर वो रीडिंग जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो आखिर किस इफेक्ट पे वर्क कर रहा है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले सोर्स के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सोर्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर। पहला एरर है ग्रॉस एरर, दूसरा है सिस्टमैटिक एरर, तीसरा है रैंडम एरर। अब इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये ग्रॉस एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है। आगे इस सिस्टमैटिक एरर को फर्दर तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है इन्वायरमेंटल एरर, दूसरा जो है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, और तीसरा है ऑब्जर्वेशनल एरर। देखिए कहीं कहीं पे आपको इस सिस्टमैटिक एरर को दो भागों में बांटा हुआ मिलेगा, पहला इन्वायरमेंटल एरर, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर को नहीं देखता है। ऐसा इसलिए कि ऑब्जर्वेशनल एरर जो होता है वो लगभग सेम आपको ग्रॉस एरर के जैसा मिलेगा, इसलिए कहीं कहीं पर आपको सिस्टमैटिक एरर का दो ही मिलेगा, तो इसमें आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग एक एक के बारे में समझते हैं एक ग्रॉस एरर क्या होता है और फर्दर आगे। सबसे पहला एरर है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर किसको बोलेंगे हम लोग ये समझते हैं। तो ग्रॉस एरर के तीन मेन वजह है। पहला, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करने आ रहा है, यानी यूज इन इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करने आ रहा है और आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसके वजह से जो एरर क्रिएट होगा, तो उस एरर को कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा, ग्रॉस एरर। इसका दूसरा कारण है रीडिंग अगर आपको नहीं लेने आ रहा है, अगर रीडिंग आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं सही से, आपने इंस्ट्रूमेंट को तो मेजरमेंट करना आता है आपको, लेकिन आप उससे रीडिंग कैसे लेना है कि हाँ इसमें जो मापा जा रहा है वो 5 वैल्यू बता रहा है या 6 वैल्यू बता रहा है या 5.5 बता रहा है या 6.5 बता रहा है, इस चीज को अगर आपको ऑब्जर्व करने नहीं आ रहा है तो उसकी वजह से जो एरर क्रिएट होगा उस एरर को हम लोग कौन से एरर की कैटेगरी में रखेंगे, ग्रॉस एरर की कैटेगरी में। और इसका लास्ट जो वजह है वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया अच्छे से, रीडिंग भी अच्छे से लिया, लेकिन रीडिंग लेने के बाद उसका जो कैलकुलेशन करना है, मान लीजिए आपको पावर निकालना है और वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, तो वोल्टेज और करंट को हमने सही से कैलकुलेट कर दिया, लेकिन हमको पावर निकालना है और हमको पावर निकालने के लिए कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा, तब उसके वजह से जो एरर क्रिएट होगा वो किस एरर के कैटेगरी में रखा जाएगा, ग्रॉस एरर के कैटेगरी में। तो ये थे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ग्रॉस एरर के अंतर्गत आते हैं, यानी इन सभी सोर्सेस की वजह से ग्रॉस एरर क्रिएट होता है। ये तो था कारण, इसको दूर कैसे किया जाएगा। तो इसके दूर करने के तरीका ये है कि आप एक से अधिक रीडिंग लीजिए, आप एक लीजिए, दो लीजिए, तीन, एक दो तीन करने का मतलब कि वैल्यू नहीं, एक बार रीडिंग लीजिए, दो बार रीडिंग लीजिए, तीन बार रीडिंग लीजिए। रीडिंग मतलब पढ़ने वाला नहीं बोला जा रहा है, रीडिंग मतलब कहने का मतलब कि आप एक बार इंस्ट्रूमेंट से मेजर कीजिए, दो बार मेजर कीजिए, तीन बार मेजर कीजिए, इससे अधिक बार मेजर कीजिए, और अगर इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है तो एक ना अब छोड़ करके एक से अधिक ऑब्जर्वर के द्वारा, यानी पहले हम मापेंगे उस वैल्यू को, अब फिर किसी और के द्वारा मापवाइए उस वैल्यू को, फिर किसी और के द्वारा, तो हो सकता है कि मेरे से गलती हो, इससे गलती हो, लेकिन कितने सारे से गलती होगा,
तो अगर ऐसा करते हैं तो ये वाला एरर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यानी ये वाला एरर आने का चांस कम है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे आते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? तो जैसा कि आपको नाम दिख रहा है सिस्टमैटिक, यानी इंस्ट्रूमेंट के सिस्टम की वजह से, यानी वैसा एरर जो सिस्टम में फॉल्ट की वजह से, यानी इंस्ट्रूमेंट में ही कोई खराबी हो सकता है उसका पॉइंटर टेढ़ा हो, उसमें जंग लग गया हो, या टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा हो, इन्वायरमेंट का इफेक्ट आ रहा हो, तो इनके वजह से जो एरर आएगा मेजरमेंट में, उस मेजरमेंट के एरर को हम लोग कौन सा एरर के कैटेगरी में रखेंगे? सिस्टमैटिक एरर के कैटेगरी में। बात समझ में आया? सिस्टमैटिक एरर यानी वैसा एरर जो सिस्टम में फॉल्ट की वजह से आ रहा है। अब सिस्टम में फॉल्ट कितने वजह से होंगे उसी के लिए इसको तीन भाग में बांटा गया है, पहला एनवायरमेंटल, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल और तीसरा ऑब्जर्वेशनल। ये सिस्टमैटिक के टाइप है, हम लोग एक एक करके समझते हैं कि ये एनवायरमेंटल एरर क्या होगा। ध्यान रखिएगा ये टाइप है सिस्टमैटिक का, तो ये सारे एरर तीनों सिस्टमैटिक के ही बताएंगे, यानी कि एनवायरमेंट की वजह से हो सकता है सिस्टम में फॉल्ट आया हो, इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी जब इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा हो उसी टाइम से फॉल्ट हो, और थर्ड आता है ऑब्जर्वेशनल एरर, इंस्ट्रूमेंट में, सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्वेशन की वजह से, सिस्टम में ऑब्जर्वेशन की वजह से एरर आ रहा हो, तब ऐसे एरर को कौन सा एरर बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर। हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहला एनवायरमेंटल एरर, जैसा कि आपको नाम दिखाई दे रहा है कि एनवायरमेंटल एरर, यानी एनवायरमेंट की वजह से सिस्टम में एरर आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंट की वजह से मेजरिंग में इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखिए ये सिस्टम सिस्टमैटिक एरर का टाइप में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी अगर सिस्टम में फॉल्ट आता है, लेकिन फॉल्ट किसकी वजह से आएगा, तो एनवायरमेंट की वजह से फॉल्ट अगर आएगा तब यहाँ से जो एरर क्रिएट होगा उस एरर को हम लोग कौन से कैटेगरी में रखेंगे? सिस्टमैटिक एरर के कैटेगरी में तो रखेंगे ही, साथ ही साथ इसके जो फर्दर टाइप्स हैं, फर्दर टाइप्स में कौन सा? एनवायरमेंटल एरर, तब वो कौन से कैटेगरी में होगा? एनवायरमेंटल एरर के कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल के लिए बात किया जाए, आप लोगों को पता होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। अब जैसे ही रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा? ऑटोमेटिकली कमेगा, वहां से हीट प्रोड्यूस होगा, तो उसके वजह से जो एरर क्रिएट होंगे, तो ऐसे एरर को कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा? एनवायरमेंटल एरर। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि एजिंग इफेक्ट, कहने का मतलब कि बहुत दिन से इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू एज इसका बढ़ेगा, यानी ज्यादा दिन तक यूज करेंगे तो उसके पार्ट्स पूरे क्या होंगे? धीरे धीरे काम करने बंद करेंगे, एज इफेक्ट आता है उसको, स्ट्रेंथ कमेगा, तो इन सबों की वजह से, ये किसकी वजह से हुआ? तो एनवायरमेंट की वजह से ही ना, तो ये वाला जो एरर आएगा वो कौन सा एरर कहलाएगा? एनवायरमेंटल एरर। और क्या हो सकता है? ह्यूमिडिटी की वजह से, आर्द्रता की वजह से, ये सब की वजह से। अब इसको दूर कैसे किया जाएगा? तो इसको दूर करने के सिर्फ और सिर्फ वही उपाय है कि उसको हम लोग हमेशा रिपेयर करते रहें। रिपेयर करने का मतलब कि प्रॉपरली उसमें देख रेख करते रहा जाए, इन सबों को, जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जो एनवायरमेंट से कोई रिलेटेड ही नहीं हो, कहने का मतलब कि एनवायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो, ह्यूमिडिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का हम लोग अगर यूज करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तब उस इंस्ट्रूमेंट में एनवायरमेंटल एरर आने का चांस नहीं है। हम लोग एक और तरीका कर सकते हैं कि जिस जिस वजह से एनवायरमेंटल एरर क्रिएट हो रहा है उसको हम सेंसेटिव कम बना, मान लिया जाए कि उस इंस्ट्रूमेंट पे टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर के प्रति वो ज्यादा सेंसेटिव है, यानी जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ऐसा हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे जो टेम्परेचर के प्रति सेंसिबल ही नहीं हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे आप टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ाइए या कम कीजिए। तो ये था इसका उपाय, यानी जिस जिस वजह से एनवायरमेंटल एरर क्रिएट हो रहा है उसके हम लोग कारण को ही दूर कर देंगे, यानी एनवायरमेंट का जो इफेक्ट आ रहा है एनवायरमेंट के प्रति इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव ही नहीं हो, तब वो क्या होगा? ये जो एरर है वो दूर होगा। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो आपको नाम में ही दिख रहा होगा कि इंस्ट्रूमेंट में एरर की वजह से, इंस्ट्रूमेंट में क्या एरर हो सकता है आप बताइए। जैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, कहने का मतलब कि जब ये इंस्ट्रूमेंट बना ही, कहने का मतलब क्या होगा कि जिस टाइम इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा उस टाइम हो सकता है पॉइंटर टेढ़ा हो गया होगा,
पॉइंटर टेढ़ा हो गया, हो सकता है कि स्प्रिंग सही से इसके वर्क नहीं कर रहे होंगे, स्प्रिंग का जो स्ट्रेंथ है वो कम गया होगा, तो इसकी वजह से जो इरर आएगा कैलिब्रेटिंग करने में यानी जो उस पर डाटा लिखा हो 1 2 3 4 5 इसको कैलिब्रेट करने में इसमें कैसे दिक्कत हो सकता है। मान लीजिए कि इतना डिस्टेंस को 1 लिखा गया है, इतना डिस्टेंस को 2 लिखा गया, ये डिस्टेंस बराबर बराबर है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे ये वाला में ज्यादा हो गया। तो ऐसे कैलिब्रिकेशन की वजह से या मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, इनके वजह से जो इरर क्रिएट होगा उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल इरर। आप देख सकते हैं कि सिस्टम का ही पार्ट है, सिस्टम में ही यानी इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट की वजह से इरर क्रिएट हो रहा है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट एक आ रहा है एनवायरमेंट की वजह से और दूसरा आ रहा है इंस्ट्रूमेंट की वजह से। इंस्ट्रूमेंट की वजह से इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं कि जब से ये मैन्युफैक्चर हुआ है उसी टाइम से ये इरर आ रहा है। दूसरा हो सकता है कि जो पार्ट पुर्जे उसमें लगे हुए हैं वो पार्ट पुर्जे धीरे धीरे काम करना बंद कर दें। काम करना बंद करने का मतलब आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे इक्विपमेंट को ज्यादा यूज करते हैं तो उसके जो पार्ट पुर्जे लगे हुए हैं उसको जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो धीरे धीरे वर्क करें। तो पार्ट्स बताइए उस इंस्ट्रूमेंट का पार्ट्स किसका पार्ट है, वो सिस्टम का ही भावना है। यानी सिस्टम में फॉल्ट की वजह से जो इरर आएगा और सिस्टम में फॉल्ट आ रहा है इंस्ट्रूमेंट की वजह से, उस इंस्ट्रूमेंट के पार्ट की वजह से, तब उस पार्ट को हम लोग कौन सा, उस इरर को हम लोग कौन सा इरर बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल इरर। इसको दूर करने का क्या उपाय है, तो सबसे पहले दूर करने के लिए हमको कारण समझना होगा और हम लोग कारण समझें कि कारण किसकी वजह से हो सकता है, कैलिब्रिकेशन की वजह से यानी सही से उसमें नंबर नहीं दिया हुआ है, या तो उसके पार्ट पुर्जे सही से वर्क नहीं कर सक रहे हैं, या जो भी इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है वो एक्चुअल में जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं है। तो इन सबों को प्रॉपर हम लोग यूज करेंगे, यानी कैलिब्रिकेशन सही से हुआ रहना चाहिए और उसके जो पार्ट पुर्जे है वो प्रॉपरली वर्क करेगा, तो ये इंस्ट्रूमेंटल इरर ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। इसके दूर करने के ये उपाय है कि इंस्ट्रूमेंट इरर जिस वजह से आ रहा है उस पार्ट को आप प्रॉपरली या तो वर्क करवाएं या उस पार्ट को निकाल करके आप दूसरा पार्ट एडजस्ट करें, तब ये इरर क्या हो सकता है, दूर हो सकता है। और लास्ट है ऑब्जर्वेशनल इरर। तो ऑब्जर्वेशनल इरर ग्रॉस इरर के जैसा ही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट ये सिस्टमैटिक का पार्ट है, तो सिस्टम में ही ऑब्जर्वेशनल इरर आने का मतलब ये हो रहा है कि जैसे जो इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक लीनियर होता है, एक लीनियर इक्विपमेंट होता है और दूसरा नॉन लीनियर इक्विपमेंट होता है। लीनियर कहने का मतलब कि इतना डिस्टेंस को एक बोलेंगे इतना, यानी बराबर बराबर डिस्टेंस को हम लोग लीनियरली बढ़ेगा, इसका जो डाटा होगा वो लीनियरली बढ़ेगा। लेकिन दूसरा होता है नॉन लीनियर, हो सकता है इतना को एक बोला जा रहा है तो इतना दूरी अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब दूर बोला जाएगा। तो ये तो पार्ट किसका, सिस्टम का पार्ट है। लेकिन इसमें अगर हम लोग ऑब्जर्व करने में फेल होते हैं यानी प्रॉब्लम होता है, देख रहे हैं यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा है लेकिन इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही हम लोग को ऑब्जर्व लेने में दिक्कत हो रहा है। बात समझिएगा, इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट एक्चुअल में नहीं है लेकिन फिर भी हमको ऑब्जर्व करने में दिक्कत हो रहा है। तब यहाँ से जो फॉल्ट आएंगे या इरर आएंगे उस इरर को हम लोग कौन सा इरर बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल इरर। लेकिन इसमें ग्रॉस इरर में था कि हमको ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट कैसा भी हो हमको रीडिंग लेने ही नहीं आ रहा है, ऑब्जर्व ही करने नहीं आ रहा है, तब वहाँ पे फॉल्ट है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम में ऐसा मैन्युफैक्चर है कि उसके वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, ऑब्जर्व नहीं हम कर पा रहे हैं, तब इरर को कौन सा इरर बोला जाएगा, सिस्टमैटिक इरर। और उसका नेक्स्ट पार्ट के अगर टर्म में देखें तो ऑब्जर्वेशनल इरर। नेक्स्ट है रैंडम इरर। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है रैंडम इरर, यानी वैसा इरर जिसका कोई साइन ही नहीं है। कहने का मतलब कि ये एक ही मैग्नीट्यूड को बार बार नहीं दिखा रहा है, जिसको बोलते हैं बौरा जाना, यानी कोई इसका लक्षण ही नहीं है, लूर लक्षण ही नहीं है कुछ कि आखिर ये किस प्रकार का इरर है, कोई नियम को फॉलो नहीं करता है, यानी रैंडमली कुछ भी हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में, यानी बौरा जाना, तब ऐसे इरर को कौन सा इरर बोलेंगे, हम रैंडम इरर बोलेंगे। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये रैंडम इरर है, तो जैसा कि हमने अभी बताया कि इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है बार बार चेंज कर रहा हो सकता है बार बार दूसरा दूसरा साइन दिखा रहा हो, सिंबल दिखा रहा हो कि हाँ कभी ये दिखा रहा हूँ मैग्नीट्यूड, कभी वो दिखा रहा हूँ, तब ऐसा जो इरर आएगा उसको हम लोग कौन सा इरर बोलेंगे, तो रैंडम इरर बोलेंगे। अब इसके दूर करने के क्या उपाय है, तो इसके दूर करने के आप एक से अधिक बार, मेनी टाइम्स, बहुत बार आप रीडिंग लीजिए और फिर उसका एवरेज निकाल दीजिए। अब एवरेज निकालने का कई तरीका हो सकते हैं, तो एवरेज निकाल दीजिए, उससे जो हमको डाटा मिलेगा, जो रीडिंग मिलेगा, वो रीडिंग हमको क्या बताएगा, एक औसत बताएगा, और वो इस इरर को दूर करने का तरीका है। तो ये थे इरर, सोर्स के अकॉर्डिंग इरर के
टाइप और टाइप के टाइप हम लोग इरर देखें, इरर किस कैटेगरी का होगा वो देखें और उसके दूर करने के उपाय देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए दिस अंदर, वीडियो शेयर कीजिए ताकि और लोगों को पता चले। धन्यवाद।